हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव माइंड दिस इज चैप्टर नंबर सेवन ऑफ क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी मॉडर्न इंडियन आर्ट ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है एंड आज के वीडियो में हम लोग जो कंटेंट कवर करने वाले हैं वो मोस्टली पेंटिंग ना होकर के स्कल्पचर्स हैं इट मीन्स इस चैप्टर में आपकी पेंटिंग्स भी थी मिक्स मीडिया म्यूरल पेंटिंग्स साथ साथ फिर आपके प्रिंट मेकिंग्स भी थे कुछ प्रिंट्स पेंटिंग्स थी एंड फिर कुछ इसमें आपके स्कल्पचर्स का भी इसमें कॉम्बिनेशन दे रखा है मतलब कुछ ग्रुप्स दे रखा है चैप्टर में जो मेन स्कल्पचर्स दे रखे हैं उन चैप स्कप्चर्स uh, को देखिए ट्राइम्प ऑफ फ्लेबर संथाल फैमिली क्राइज अनहर्ड गनीशा एंड वंशरी ये आपके मेन स्कल्पचर्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर अरे बेसिकली सारे स्कल्पचर्स मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट ट्राइम ऑफ लेबर ये स्कल्पचर देवी प्रसाद राय चौधरी ने स्कप्ट uh, किया था एंड ये ओपन एयर्ड स्कल्पचर है दिस इज द पिक्चर ऑफ देवी प्रसाद राय चौधरी एंड दिस इज हिज़ आर्टवर्क ये ट्राइम्प ऑफ लेबर का ही आ, पिक्चर है ये ओपन एयर डे है एंड ये मरीन ब्रिज पे इसको मतलब इंस्टॉल किया गया था 26 जनवरी को टाइम पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन इज 1959, मीडियम ब्रॉन्ज ये ब्रॉन्ज का बना हुआ स्कप्चर है

डी राय चौधरी के थ्रू इसे स्कप्ट किया गया था ये ब्रॉन्ज स्कप्चर है एंड डीपी uh, राय चौधरी का जो मतलब uh, इनका जी लाइफ um, टाइम मतलब कि इनका जन्म एटीन नाइन्टी नाइन में हुआ था एंड नाइनटीन सेवेंटी फाइव में इनका इनकी डेथ हुई थी इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन फिफ्टी नाइन ऑन द इव ऑफ रिपब्लिक डे एट मरीन ब्रिज चेन्नई ये चेन्नई के जो मरीना ब्रिज है वहाँ पे 26 जनवरी की आ, मतलब उपलक्ष में मतलब 26 जनवरी को 1959 की 26 जनवरी को इसे इंस्टॉल किया गया था इन दिस कंपोजिशन फोर मैन ट्राइंग टू मूव अ रॉक एंड इट इज मेड क्लियर दैट ह्यूमन लेबर इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू मेकिंग ऑफ द कंट्री इसमें चार इन, आ, मतलब इंसानों को चार आदमियों को इसमें एक रॉक को मूव करते हुए मतलब उसे खिसकाते हुए उसे पुश करते हुए दिखाया गया है एंड साथ ही साथ इससे क्लियर होता है कि जो ह्यूमन है ह्यूमन लेबर है मतलब जो परिश्रम करने वाले जो लोग हैं वो अपना मेन कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं कंट्री को बनाने में दे आर शोन बिजी इन अ मैसिव Moving massive block with the help of wooden log by means of putting their maximum efforts in some hilly areas एरिया uh, इस composition के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो चार इंसान चार आदमी हैं वो एक ब्लॉक को मतलब एक रॉक को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वुडन log मतलब उन्होंने यहाँ पे ऐसे दिखाया गया कि हिली एर शायद वो जो सिचुएशन मतलब जो जो लैंड पार्ट दिखाया है वो हिली एरियाज़ में मतलब ऊंचाई पे एंड उसको खिसकाने के लिए उनको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं उन उस एफर्ट्स में कम मतलब कम एफर्ट्स के अंदर वो उसको रॉक को आगे की तरफ धकेल सके उसके लिए वो लोग वुडन जो लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उनकी हेल्प से वो उसको उस रॉक को आगे खिसका रहे हैं आर कार्व्ड इन परफेक्ट एनाटॉमिकल बॉडी बैलेंस एंड आर्टिस्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से आ, उनकी जो एनाटॉमिकल जो बॉडी बैलेंस बैलेंस है उसे बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसको कार्व्ड किया है दिस वेरी स्ट्रांग मसल शोज देयर स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी एंड आप आर्टिस्ट की स्किल का आप इसी से पता लगा सकते हैं जिस तरह से आ, किसी भारी वजनदार जो कोई वस्तु को या किसी भी चीज़ को हम पुश करते हैं तो उसमें हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ वो क्लियरली शो होती है एंड वहाँ पे जो ये जिन इंसानों को दिखाया गया है वो बेसिकली अप, अपर बॉडी उनकी नेक्ड है एंड जब वो वो उस चीज़ को पुश कर रहे हैं तो उनकी मसल्स एक एक मसल्स वहाँ पे क्लियरली आर्टिस्ट ने शो अप किए दैट मीन्स कितनी पूरी स्ट्रेंथ को वो अपनी कैपेबिलिटी uh, को उसको पुश करने में लगा रहे हैं ये चीज आर्टिस्ट ने उनकी मसल्स को जिस तरह से बनाया है उससे हमें क्लियर पता लगता है दे ऑल आर इन सेमी न्यूड एंड देयर लाइवली एक्शन आर डिपेक्टेड डायनेमिक मोबाइलिटी ऑफ दिस स्टैचू एंड ये सारे uh, मतलब जो पर्सन uh, है वो सेमी न्यूड से मैंने आपको बताया था इनकी अपर बॉडी न्यूड है सेमी न्यूड में है एंड uh, इनका जो uh, मतलब काम करते हुए जो दिखाया है इस स्टैचू के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से उसे क्रिएट किया है आर्टिस्ट नेक्स्ट स्कल्पचर इज संथाल फैमिली जो हमारे देवी प्रसाद राय चौधरी हैं वो इंडिया के रिलायंस आर्ट के दैट मीन्स ये यूरोपियन आर्ट स्टाइल के अंदर इन्होंने एक्चुअली रियलिस्टिक वे में इन्होंने ये स्कप्चर क्रिएट किया था एंड दूसरे हमारे सं जो स्कप्चर है संथाल फैमिली इसे क्रिएट करने वाले जो आर्टिस्ट हैं राम किंकर बैज एंड इन्हें मॉडर्न आर्ट मतलब इंडियन मॉडर्न स्कल्पचर के फॉर्म में इन्हें मतलब आधुनिक जो मूर्तिकार या आधुनिक युग में जिन्होंने मॉडर्न एज के अंदर जिन्होंने स्कल्पचर की फील्ड में जो पहला एक्सपेरिमेंट जिन्होंने क्रिएट किया था वो राम किंकर बैज ही थे एंड उनका बेस्ट आर्टवर्क या एक्सपेरिमेंटल जो आर्टवर्क था वो इनका संताल फैमिली ही था इसीलिए राम किंकर बैज को आधुनिक मूर्तिकला का जनक भी माना जाता है दैट मीन्स फादर ऑफ मॉडर्न स्कप्टर दिस इज राम किंकर बैच पिक्चर एंड इन्होंने ये संथाल फैमिली वाला जो स्कप्चर है नाइनटीन थर्टी सेवन में क्रिएट किया था मीडियम ये बिल्कुल ट्रेडिशन uh, वे से बिल्कुल डिफरेंट था ये एक्सपेरिमेंट था इनका सीमेंट कॉन्क्रीट एंड वायर्स की हेल्प से इन्होंने ये स्कप्चर क्रिएट किया था सब्जेक्ट मैटर संथाल फैमिली इज फ्री स्टैंडिंग आउटडोर स्कल्पचर इट इज डिपेक्शन ऑफ ट्राइबल प्लीजेंट फैमिली अ मैन अ वन अ चाइल्ड एंड अ डॉग इसके अंदर जो ये संथाल फैमिली दैट मीन्स एक संथाल फैमिली को यहाँ पे दिखाया गया है जो फ्री स्टैंडिंग आउटडोर स्कल्पचर है दैट मीन्स ये खुले आकाश के नीचे बना हुआ पूरा एक

विश्व भारती यूनिवर्सिटी दैट मीन शांति निकेतन शांति निकेतन के कंपाउंड में जो कला भवन है इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल उसके कंपाउंड के अंदर ये बना हुआ स्कल्पचर है संथाल फैमिली डिस्क्रिप्शन संथाल फैमिली इज द मेजर आउटडोर फ्री स्टैंडिंग स्कप्चर मेड ऑफ सीमेंट एंड कॉन्क्रीट दिस स्कप्चर इज इंस्टॉल्ड इन इंडियाज फर्स्ट आर्ट स्कूल कला भवन शांति निकेतन फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है एंड सीमेंट एंड कंक्रीट की हेल्प से इसको क्रिएट किया गया था एंड इसका इंस्टॉलेशन कहाँ हुआ है कला भवन दैट मीन शांति निकेतन में हुआ है एंड कला भवन क्या है इंडिया का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय है माना जाता है दिस इज द पिक्चर ऑफ संथाल फैमिली ये देखिए एंड ये लाइफ साइज स्कल्पचर है इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्निस्ट स्कर इन इंडिया ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ये जो राम किंकर बैस थे वो हमारे आधुनिक मूर्तिकला के जनक भी माने जाते हैं एंड साथ ही साथ ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो मॉडर्न स्कल्पचर के अंदर भी मैंशन होता है मतलब इंडिया का पहला मॉडर्न स्कप्चर के अंदर इसे गिना जाता है इसको इसको काउंट किया जाता है

Uh, मतलब इनके जो इनका जो काम है इनके काम में इनके इनके थॉट्स इनकी फीलिंग एंड इनका कंसर्न जो वो क्लियरली दिखाई देता है इनके आर्टवर्क से जिस तरह का ये आर्टवर्क के लिए इन्होंने थीम को चूज़ किया उनसे क्लियरली उनके थॉट्स उनकी फीलिंग एंड जो एक रूलर एरियाज होते हैं उनके लिए जो कंसर्न उनकी सिंप्लिसिटी होता है उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने क्रिएट किया है द फिगर एंड फॉर्म आर फॉर्म्स आर नेचुरस्टिक डायनमिक एनर्जेटिक एंड अर्थ ही जो फिगर्स इसमें बनाए गए हैं आर्टिस्ट ने फिगर्स एंड फॉर्म्स को बिल्कुल नेचुरस्टिक बनाया है दैट मीन्स बिल्कुल एकदम नेचुरल है डायनमिक है बहुत ही स्किलफुली उनको क्रिएट किया है सुन ब्यूटीफुली इनको क्रिएट किया है एंड एनर्जेटिक दैट मीन्स जो मोमेंट जो यहाँ पर क्रिएट किया है उसमें पूरी एनर्जी जिस व्यू को या जिस थीम को लेके ये बनाया गया है उसमें पूरी एनर्जेटिक उसमें क्रिएट क्रिएशन है एंड साथ ही साथ जो आ, जो स्कल्पचर है वो अर्थी भी है दैट मीन्स जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन पीपल से लिया गया है दैट मीन्स ये बिल्कुल अर्थी वे में भी हमारा ये फिगर क्रिएट किया हुआ है इट रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एंड इंटरनल इमोशन ऑफ संथाल फैमिली दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द न्यू डेस्टिनेशन आफ्टर लिविंग देअर होम इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड विद होप एंड एस्परेशन दैट मीन्स ये जो स्कप्चर uh, है इसके अंदर uh, जो दिखाया गया दैट मीन्स एक इंटरनल uh, इमोशन को दिखाया गया इस फैमिली के कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे हैं नए डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं एंड साथ ही साथ मतलब कि अप जहाँ पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया जिस जगह पे वो एक टाइम पीरियड तक के लिए रहे हैं उस जगह को छोड़ करके वो लोग नए डेस्टिनेशन के दैट मीन नई जगह पे वो मूव ऑन कर रहे हैं मतलब अपने लाइफ को लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जीने के लिए इस उम्मीद से वो वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं द स्कप्चर इज मेड इन राउंड सो दैट वी कैन सी इट फ्रॉम ऑल साइड्स जैसे मैंने आपको बताया थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल से हम इसको पूरा देख सकते हैं दैट मीन हम इसे चारों तरफ से ये पूरा कार्वड है और इसे हम चारों तरफ से देख सकते हैं दर्ट इज हैज अवॉइडेड ट्रेडिशनल मीडियम सच एज मार्बल वुड और स्टोन एंड प्रीफर्ड सीमेंट एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन और आर्टिस्ट ने जो ट्रेडिशन वे में जो स्कप्चर बनते आ रहे थे जैसे स्टोन में स्कप्पचर बनता था वुड में बनता था क्ले से स्कप्चर्स बनाए जाते थे इन सभी ट्रेडिशन मीडियम्स को छोड़ करके आर्टिस्ट ने सीमेंट के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया एंड इसी वजह से ये मॉडर्नाइजेशन का सिम्बल भी बना नेक्स्ट स्कप्चर इज क्राइज अनहर्ड एंड इस इस्कप्चर को क्रिएट करने वाले थे अमरनाथ सैगल आर्टिस्ट ने स्कप्टर ने इसे क्रिएट किया था दिस इज द पिक्चर ऑफ अमरनाथ सैगल टाइम पीरियड 1958 में अमरनाथ सैगल ने इस स्कप्चर को क्रिएट किया था क्राइज अनहर्ड को ये ब्रॉन्ज का बना हुआ स्कप्चर है

इसके अंदर एक मैन मैन वुमन एंड एक चाइल्ड एक छोटी सी फैमिली दिखाई थ्री फिगर्स की आ, फैमिली दिखाई गई है जो बेसिकली जो फिगर है वो स्टिक लाइक बनाए गए मतलब कि छड़ी नुमा आकृति में उन्हें क्रिएट किया है और साथ ही इन तीनों फिगर्स को जो बेस ग्राउंड लिया गया है दैट मीन्स जिस जहाँ पे इन्हें खड़ा दिखाया गया वो है वो बिल्कुल फ्लैट है एंड रिदमिकल प्लेन्स दैट मीन्स बिल्कुल मैदान के अंदर इन्हें फ्लैट मैदान में इन्हें खड़ा दिखाया गया है जो मतलब जो एक तरह का जो व्यू दिखाया गया है उसमें इन दिस अ फैमिली हस्बैंड वाइफ एंड अ चाइल्ड हैव बीन शोन आर्म्स एंड फॉर हेल्प इन वेन इसके अंदर एक फैमिली को दिखाया गया इसमें वाइफ एंड चाइल्ड को दिखाया गया है एंड जो अपने हाथ ऊपर की और खड़े हैं मतलब दैट मीन्स वो हेल्प के लिए शाउट कर रहे हैं ये देखिए दिस इज दे पिक्चर ऑफ क्राइज अनहर्ड इसमें दिख रहा होगा आपको फिगर जो है बिल्कुल फ्लैट हैं स्टिक लाइक फिगर्स को दिखाया गया एब्स्ट्रैक्ट मैनर में क्रिएट किया गया है एंड इनकी जो पोजीशन दिखाई गई वो दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हुए दिखाएंगे फेस के मूवमेंट को एंड हाथों के मूवमेंट को देख करके ये क्रिएट मतलब ये पता लग रहा है कि वो हेल्प के लिए आ, किसी को बुला रहे हैं देयर हेल्पलेसनेस शोड बाय हैंड गेस्चर इन दिस स्कल्पचर जैसे मैंने बताया आर्टिस्ट ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इनकी बेबसी को इनके हैंड गेस्टर्स के थ्रू क्रिएट किया मतलब उसको दिखाया है जिस तरह से इनके हाथ ऊपर खड़े हैं एंड फेस पे जिस तरह से इनका फीचर्स आर्टिस्ट ने क्रिएट किए हैं उससे उनकी बेबसी साफ दिखाई देती है इट इज़ दोशलिस्ट एक समाजवादी स्कल्पचर है दैट में मूर्ति है ये जो सोशल प्रॉब्लम्स को ले को पॉइंट आउट करती हुई है द सोशलिस्ट पॉइंट मुल्क राज आनंद ऑल्सो रिटर्न अबाउट दिस वर्क एंड जो शोशलिस्ट uh, तो एक पॉइट uh, थे जिनका नाम तो मुल्क राज आनंद उन्होंने भी इस स्कप्चर को uh, के बारे में उन्होंने लिखा है इसके बारे में बात की है एंड जो ये स्कप्चर प्रेजेंट टाइम में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दैट मीन्स नगमा में ये कलेक्टेड है एंड ये गैलरी न्यू डेली में सिचुएटेड है नेक्स्ट स्कप्चर इज गणेश एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल आर्टवर्क एंड इन इस आर्टवर्क को क्रिएट करने वाले आर्टिस्ट पी वी जानकी राम थे इन नाइनटीन सेवेंटी में इसे क्रिएट किया गया था मीडियम ऑक्साइड कॉपर जो ऑक्साइड कॉपर जो, जो प्लेट होती है उससे शीट के ऊपर इसे क्रिएट किया गया है वेल्डिंग के साथ में सब्जेक्ट मैटर अ मॉडर्न एब्सचर ऑफ हिंदू गॉड ग ये एक मॉडर्न एबसप्चर है गणेशा का कलेक्शन ये स्क्रप्चर uh, भी नगमा में ही कलेक्टेड है डिस्क्रिप्शन इन दिस स्कप्चर गणेशा इज शोन इन सिक्स हैंड्स इसमें गणेशा के सिक्स हैंड्स दिखाए गए हैं साथ ही साथ वो एक डांसिंग फॉर्म में दिखाए गए हैं अगर आप स्क्रप्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये डांसिंग फॉर्म में खड़े हैं गेशा या दैट मीन्स डांसिंग मूव में पोस्चर में खड़े हैं इन दिस स्कप्चर गणेश इज शोन इन सिक्स हैंड्स ही इज प्लेइंग सितार एंड हिज अपर टू हैंड्स वाइल हिज फोर अदर फोर हैंड्स आर होल्डिंग शंख गदा पद्म एंड अंकुश इन ट्रेडिशन स्टाइल इसमें आपको जैसे कि उनके जो फर्स्ट टू हैंड्स हैं वो सितार को प्ले कर रहे हैं

भी उनके हेड के बिहाइंड में क्रिएट किया है हिज फेस एक्सप्रेशन हैज़ डिवाइन लुक उनके फेस पे डिवाइन लुक क्रिएट कर uh, किया हैज लार्ज ईयरस हिज फेस एंड ब्रॉड ट्रंक ट्रंक हैव बिन डिजाइंड ऑन सेम कॉपर शीट्स एंड जिस तरह से गणेशा दिखाई देते हैं उसी सेम सिचुएशन मतलब सेम फॉर्म में आर्टिस्ट ने गणेश को क्रिएट किया है जैसे इनके लार्ज ईयर्स बनाए हैं एंड साथ ही साथ उनके फेस पे uh, जो ट्रंक होती है उनकी जो सूंड होती है उसको भी आर्टिस्ट uh, ने क्रिएट किया है एंड सा, ये सारा जो डिज़ाइन uh, था वो उन्होंने सेम कॉपर शीट से ही क्रिएट किया है द पोस्र ऑफ हिज बोथ लैक्स इंडिकेटेड दैट ही इज इन डांसिंग पोज एंड लेग्स की पोजीशन को देखकर ही ये पता लगा जा, जा सकता है कि गणेशा जो है डांसिंग पोज में खड़े हैं द स्कल्पचर शोज यूनिक फीचर्स ऑफ फॉर्म्स स्मूथनेस ऑफ सरफेस एंड ऑर्नामेंटेशन एज देयर इज एन एफर्ट्स टू रिवाइव द फोक आर्ट ऑफ साउथ एंड आप इसकर के अंदर क्लियरली uh, आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर uh, तरीके से उन्होंने जो सरफेस फॉर्म्स की जो फीचर्स हैं एंड साथ ही साथ जो सरफेस है उसकी स्मूथनेस साथ ही जो जिस तरह से गणेशा को uh, का ऑर्नामेंटेशन किया उनको, उनको सजाया गया है उस तरीके उस तरीके को देख करके हमें uh, साउथ की जो फोक आर्ट है उसका uh, उस उसकी हमें याद दिलाता है या उसका हम लोग uh, उसको

देन फिर ये पूरा जो स्कप्चर है वो क्रिएट किया गया है एंड साथ ही साथ जो लीनियर डिटेल्स है उसे के वेल्डिंग के थ्रू से क्रिएट किया गया है दैट मीन्स वायर्स बोल्ट नट्स के हेल्प से उनका ऑर्नामेंटेशन किया गया है एंड इस वीडियो का लास्ट स्कप्चर वंशरी आर्टिस्ट मृणाली मुखर्जी मृणाली मुखर्जी ने पहली बार डिफरेंट मीडियम अब तक के आर्ट जो आर्टिस्ट थे उन्होंने किसी ने स्कल्पचर को किसी मेटल uh, uh, में क्रिएट किया किसी ने सीमेंट कंक्रीट में किया सीम उसी तरह से uh, जो मृणाली मुखर्जी थी इन्होंने भी बिल्कुल डिफरेंट मीडियम में इन्होंने काम किया था पहली बार किसी आर्टिस्ट ने फाइबर्स को अपने स्कल्पचर uh, बनाने के लिए यूज़ किया मृणाली मुखर्जी ने हेम फाइबर्स को यूज़ किया किया था अपने स्कल्पचर को क्रिएट करने के लिए दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मृणाली मुखर्जी एंड ये इनकी यंग एज की पिक्चर है टाइम पीरियड नाइनटीन नाँटी में इन्होंने इसे क्रिएट किया था हेम फाइबर्स के थ्रू इन्होंने इन इस पूरे जो वंश्री जो स्कल्पचर है दैट मीन्स पूरी एक इन्होंने सीरीज बनाई है जैसे वन राजा वन श्री एंड के और भी अदर आर्ट आर्टवर्क है हैं जिन्होंने हेम फाइबर से ही बनाए हैं फैब्रिक से ही बनाए हैं ये नेचुरल फाइबर्स हैं डिस्क्रिप्शन शी यूज एंड अनयूजल मटीरियल टू तो मेक एट दिस आइडल इन्होंने एक इस तरह के मटीरियल को यूज़ किया जिससे कभी किसी ने आ, उसे किसी भी यूज मतीर, उस मटीरियल को यूज़ करने के लिए नहीं सोचा था She uses hemp fiber as medium. She started experiments with fibers, fabrics in early 1970s. 1970s me uh, me aate aate in, in uh, fabrics ke in experiment karna start kar tha. Initially going through the complicated route, she made knots by waving a complex shape from jute fibers. इन्होंने स्टार्टिंग फेज में बहुत ही मतलब जो इनका ये जो पूरा जो टाइम पीरियड था मतलब जो इन्होंने जो एक आर्ट वर्क रेडी किया ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था बहुत ही आ, मतलब हार्ड वर्क इसमें हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि इन्होंने पूरा ये जो आर्ट वर्क था नॉट्स को वेव करके इन्होंने पूरा एक शेप दिया इन्होंने जो जूट फाइबर्स थे जो हैम फाइबर्स थे उनकी उन्हें नॉट करके वेव करके तब इन्होंने पूरा ये आर्टवर्क बनाया था सीम्स टू बी द रिजल्ट ऑफ ईयर्स देंडलिंग न्यू मटीरियल एंड ये डिफरेंट टाइप का पहली बार किसी ने इस तरह का मतलब एक्सपेरिमेंट किया था एंड काफ़ी मतलब सालों की मेहनत के बाद तब जाके इन्होंने उसे हैंडल करना मतलब हैंडल करके एक उन्होंने आर्ट वर्क में या उसे किसी शेप में डालना शुरू किया था तो बहुत ही हार्ड वर्क वाला काम था इनका ये द स्कप्चर ऑफ आर्ट आर्टवर्क इज स्कर ऑफ द गॉडेस ये मतलब जो जंगल की देवी होती है वंशरी मतलब दैट मीन्स वंश्री जंगल की देवी उनका इन्होंने ये प्रतिरूप तैयार किया है

मतलब मोन्यूटमेंटल जो पीस होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया द स्कल्पचर फीचर्स अ फेस प्रोटूडिंग लिप्स एंड द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ नेचुरल डिवाइनिटी आर्टिस्ट ने फेस क्रिएट किया है मतलब स्कल्पचर के इस फाइबर्स के थ्रू भी उन्होंने फेस के पूरे फीचर्स को दिखाने की कोशिश की है उन्होंने जो लिप्स हैं वो थोड़े उभरे हुए पोडिंग मतलब दैट मीन्स उभरे हुए लिप्स को बनाया गया है एंड जो नेचर की जो नेचर है वंश्री दैट मीन्स गॉडेस ऑफ वुड जो जंगल की जिसे देवी माना जाता है उसे कंप्लीटली डिवाइन लुक देने के लिए आर्टिस्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसे वेविंग करके उसे क्रिएट किया है For many years these works were dismissed as craft but more recently their originality and fearlessness of imagination have attracted much attention in their fiber products स्टार्टिंग फेज में जब इन्होंने ये आर्टवर्क रेडी स्टार्ट किया था इस तरह के काम को हेम फाइबर्स के थ्रू इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्कपच्चर्स बनाना रेडी किए थे तो इनके आर्टवर्क को इनके क्राफ्ट को कभी भी इन्हें आर्टवर्क के रूप में नहीं लिया गया एंड साथ कभी इन्हें किसी तरह का इन्हें सपोर्ट नहीं मिला बट जैसे जैसे टाइम पास होता गया एंड प्रेजेंट टाइम में इनका ये आर्टवर्क आज के मतलब उसमें मॉडर्निटी के अंदर ये इंक्लूड किया जाता है जो बिल्कुल ही डिफरेंट मीडियम में क्रिएट किया गया था एंड फाइबर प्रोडक्ट में इन्हें काफी ज़्यादा अटेंशन भी मिली है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच टॉपिक्स रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं